हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के ब्लेसिंग्स। और मैं देख लूँगा कि काली माँ आप लोगों को किस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करे। काली माँ के ब्लेसिंग से आप अपने डे को बेहतर बना सकते हो, आप अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड ऑफकोर्स आप अपने सोल पर्पज़ को फॉलो कर सकते हो। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, माँ का कोई एज सच रिलीजन नहीं है, तो सभी के लिए ये रीडिंग उपलब्ध है एंड टाइमलेस है। तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई चीज़ सेल करता हूँ और ना ही कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। और मैं यूट्यूब के सिवा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स है। सो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और सिर्फ यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके, अगर आप पसंद कर रहे हो तो ही, फोर्सफुली नहीं कीजिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के बाप हरणी धर्म कामर्तमखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करल बदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदाचिन्न शिरोकर्ग वामर्धो कर्णं भुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्धपाणिकं महामेघ प्रभं श्यामं तथा चिरदिगंबरीं कंठाभसक्तमंडलीगलधरुधिरचर्चितं कर्णावतं सततीं नत सबोजिभुवैनकं गणदष्टं करलसंकीर्णतिपैदलं सवनं करसंगातकृतकचस्मृतकृतधारा विश्वेदनं गुरुभ्यं वरदं सदयवासनं बालकमंडलाकारलोचनत्रयमिदं दद्रं दक्षिणवैपिलं वनकच्छं स्वरूप महादेव हृदय प्रसंस्तम शिवाभिघोरावाभिषेदिकसमन्वितं महाकालनिशसमुद्भिपरि दत्तातुरं सुकृपसन्न वदनं सेरानं सर्वम् एवं संचितयत् कालिधाम कमर्तमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर क्या कह रहे हैं? माँ मेरे व्यूवर्स के पास बता दीजिए। क्या काली कलमाशा नाशिनी, सो इसका मतलब क्या है कि जो भी खराब पास था, ओके, जो भी बुरे कर्म थे, माँ ने उसको नाश किया है। सो कलमाशा नाशिनी मतलब क्या है? हु द गॉडेस या फिर द मदर हु कंज्यूम्स सीन। सो यहाँ पे एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो गए, ब्लैक मैजिक रिमूव हो गए, तंत्र क्रिया जो आपके ऊपर हुआ था रिमूव हो गए। अब ना इस कार्ड को अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक दिन स्टार्ट हो रहा है और एक रात खत्म हो रहा है। सो डेफिनेटली इट्स अ साइन कि आप बहुत ही गहरे निगेटिव सोच में थे। यू नो, आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या फिर जिस तरीके से आप प्लान कर रहे थे, जिस तरीके से आप अब एक एक बिलीफ सिस्टम को लेके चल रहे थे, शायद आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। यहाँ पे माँ आपको हौसला बढ़ा रहे हैं कि एक भी सोल ऐसे नहीं होंगे जिसको माँ याद नहीं रखेंगे। माँ हर एक को याद रखते हैं, माँ को पता है कि आपको क्या ज़रूरत है, तो माँ आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकते। तो अगर आप अंदर से डर रहे हो कि क्या आप शक्तिशाली रहोगे, या फिर क्या आप अपने काम को आगे लेके जा पाओगे, या फिर कठिन संघर्ष का मुकाबला आप कर रहे हो, सो क्या आखिर में आपको जीत मिलेगा, सो माँ आपको बोल रही है कि बुरा पास्ट को भूल जाइए। व्हाट हैपेंड हैपेंड, लाइक जो हुआ सो हुआ। अब एक नए एनर्जी आपके साथ जुड़ा है, एक नए पर्सन में आप बदल गए हो, सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचिए। नाउ ये जो माँ अस्त्र को कैरी कर रहे ना, इसको माँ बोलते हैं पशुपत अस्त्र ना। ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। और ये पावरफुल वेपन क्यों है? क्योंकि ऑब्स्टिकल्स को, पाप को, सीन को रिमूव करने के लिए ये अस्त्र यूज होता है। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, माँ के पास ऐसे अस्त्र है जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को एक चुटकी में एकदम डिमोलिश कर सकते हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ चीज़ है नहीं किसी के लाइफ में जिसको माँ ना हटा सके। तो हर चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस देके मत सोचिए। सो यहाँ पे बात है कि पास्ट का कुछ मैटर लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, पास्ट में कुछ आप किए थे इसको लेके आप बहुत सोच रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े गलती आप किए हो, या फिर इसका सज़ा आपको मिलेगा, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ आप किए थे शायद फ्यूचर में जाके उसको आपको फेस करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, जो हुआ सो हुआ। एक मामूली सा चीज़ के बारे में आप इतना फोकस मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि पास्ट को पास्ट की तरह लीजिए, उसको उतना ज़्यादा
फोकस करके नहीं सोचना है अभी. एंड लाइक आप एक चीज सोचिए कि आप माँ के बेटे हो या फिर बेटी हो, आपके जो शत्रु है वो भी माँ के बेटे है एंड बेटी है, एंड आपके जो बंधु है, जो मित्र है, वो भी माँ के बेटे है या फिर बेटी है. तो मान लीजिए कि आप कुछ आउटकम मांग रहे हो माँ से कि माँ मेरे को ये दीजिए, तो क्या आप अगर प्रैक्टिकली सोच सकते हो तो क्या माँ कभी भी आपको कुछ आउटकम दे सकते हैं जो चीज़ आपके लिए सही हो और किसी और के लिए गलत? नहीं ना. मतलब मान लीजिए कि आप बोल रहे हो कि ये चीज़ बस मेरे को दिला दो, कोई भी चीज़ हो सकता है, बट क्या उस चीज़ से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है और क्यों वो आपको देंगे, आपको मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो कि ये चीज़ माँ नहीं देखेंगे? राइट, माँ ज़रूर देखते. तो क्या है कि माँ कुछ ऐसे ही काम करेंगे जो सबके लिए अच्छा हो, जो जिसके कर्मा के साथ अलाइंड हो. सो यानी कि जो वरदान माँ दे रहे हैं वो आपको भी दे रहे, आपके मित्र को भी दे रहे, आपके शत्रु को भी दे रहे, सभी को माँ वरदान दे रहे. बट नाउ द थिंग इज कि आपका कर्मा अगर बहुत ज़्यादा रिफाइंड रहा है, अच्छा रहा है, सो उस वरदान का जो गुड इफेक्ट्स है वो आपको देखने को मिलेगा. साथ ही साथ जो आपके इस गुड कर्मा को सहायता किए हैं या फिर आपको जो हेल्प किए हैं उसको भी उसका अच्छा असर देखने को मिलेगा. और जो आपके गुड कर्मा को मैलाइन करने की कोशिश किए हैं उनको बुरा असर देखने को मिलेगा. बट माने ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी को तकलीफ में डालेंगे और किसी को वो बहुत सुरक्षा प्रदान करेंगे. नो, माँ ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि उनके लिए बेटा और बेटी सेम ही है. मेटेरियल वर्ल्ड में अपने कर्मों की वजह से कोई बुरा कर्मा कर भी रहे हैं, वो उनका इस जन्म का पाप है, उसका सोल निष्पाप है. सो पशु काली कलमाशा नाशिनी वही करते हैं कि आपके इस जन्म का पाप को धूल देता है, आपके इस जन्म का सीन को रिमूव कर देता है. सो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है, पास्ट लाइफ का कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या फिर अनइंटेंशनली कोई नेगेटिव एनर्जी को अगर आप कैरी करके चल रहे थे, सो उसको माँ ने रिमूव किया है फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल. बट माँ आपको एक और भी चीज़ बोल रहे कि कुछ चीज़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा. कुछ चीज़ के बारे में आप ये जो सोच रहे हो ना, ये सब इतना दुविधा आपको दुविधा में नहीं रहना है. कुछ चीज़ को ऑटोमेटिक ख़त्म होने दो और वो जब ख़त्म हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छे तरीके से आप माँ के साथ कनेक्टेड थे. सो जस्टिस आपको मिलेगा, बट इस जस्टिस को लेके आप बैठे मत रहो, आप अपना काम करते रहो. ऐसा है कि कोई अगर पास्ट में चीट किया है आपको, उसको सजा नहीं आप बोल सकते हो, उसको उसका कर्मा का रिप्लाई मिलेगा. जैसे कि अगर आप पानी में पौधे में पानी डाल रहे हो, पौधे में आप पानी डाल रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, तो आप यही नहीं सोचते हो कि एक दिन में ही आप सीड को प्लांट करेंगे एंड दूसरे ही पल में वो सीड ग्रो हो जाएगा. वेल, वो सीड को बहुत संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है मिट्टी से. इस साइकिल के बारे में माँ आपको हमेशा से याद दिला रहे हैं कि देखिए, छोटे से छोटे जीव को बहुत तकलीफ झेल के आगे बढ़ना पड़ता है, और वैसे ही आप भी आगे बढ़ रहे हो. हर एक के जर्नी को माँ सपोर्ट करते हैं. बट क्या होता है कि आपके लिए जो शत्रु है, स्पिरिचुअल लेवल पे तो कोई शत्रु या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे तो कोई मित्र नहीं है, सभी अकेले हैं. तो हो सकता है कि इस जन्म में कोई सोल नेगेटिव एनर्जी के साथ ट्रैप होके अपना काम कर रहे थे. अब क्या करेगा माँ, वो जो काम किए थे उसका रिप्लाई देंगे. सो अगर आप अच्छा सोच रहे हो, डेफिनेटली आपको अच्छा आउटकम मिलेगा, माँ आपको सपोर्ट करेंगे. अगर आप ऑनेस्ट हो सोसाइटी के बारे में, अगर आप ऑनेस्टली अनकंडीशनली किसी के लिए प्रे करते हो, सो डेफिनेटली उसका आपको जवाब मिलेगा. साथ ही साथ जिन लोगों ने आपके इस शुभ कर्मों को नष्ट करने की प्रयास किए थे या फिर आपके गुड कर्मा को मलाइन करने की प्रयास किए थे, उन लोगों को उनके कर्मा का रिप्लाई मिलेगा.
माँ किसी को सजा नहीं देते हैं, माँ के लिए सभी जो उनके बच्चे हैं सभी सेम ही है। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे और क्या आपके सामने प्रेजेंट का कार्ड क्या आ रहा है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में क्या कार्ड मांगे गए। यस, यहाँ पे आ गया है मोक्षाकाली। सो ये जो मोक्षाकाली का कार्ड आप देख रहे हो, ये साफ बात है कि रिलीफ मिल रहा है। और ये रिलीफ क्यों? क्योंकि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे, जहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्यों लाइफ इस तरीके से बदल जा रही है, क्यों इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि छोटे से छोटे चीज़ नहीं हो पा रहा था कल या फिर पिछले महीने में, आज आपको यहाँ पे एक रैपिड ग्रोथ दिखने को मिलेगा। यू नो माँ इज ब्रिंगिंग पीस इन योर लाइफ, माँ इज ब्रिंगिंग सोल्यूशन इन योर लाइफ, माँ इज ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। नाउ मोक्षा का मतलब क्या है कि जब आप रियलाइज करते हो कि ये जो छोटे छोटे ईगो बूस्टिंग टेक्निक है या फिर ये दुनिया जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे, भाई भाई से लड़ रहे, बहन बहन से लड़ रहे, सभी को खुद को अच्छा दिखाना है, सभी को खुद के बारे में अच्छा अच्छा बोलना है, सभी को खुद को प्रूव करना है, बट ये प्रूव करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में लोग दूसरों को डीमीन करते हैं, लोग दूसरों को हर्ट करते हैं, लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लोग दूसरों को नफरत करते हैं, क्योंकि ये समाज सिखाई है कि इसको प्यार करो, इसको नफरत करो। बट माँ मोक्षाकाली क्या करते हैं? आपको अपना धर्म प्रोवाइड करते, आपको अपना कर्म प्रोवाइड करते, आपको अपना जीवन का अर्थ प्रोवाइड करते एंड देन आपको मोक्षा प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो साइकिल है, धर्म अर्थ काम मोक्षा, ये साइकिल को आप समझ रहे हो क्या आपका काम है, क्यों आप इस दुनिया में आए हो, क्या आपको करना है और किस चीज़ को आपको छोड़ना है। सो जब आपको पता चल रहा है कि ये जो हम बोलते हैं कि ये मेरे घर है, ये मेरे दौलत है, ये मेरे शौहरत है, ये सब एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब हम कोई इस दुनिया में नहीं रहेंगे। सो यहाँ पे एक बात है कि जिस चीज़ में हम लोग इतना अटैच्ड है, आज से 100 साल बाद हम में से बहुत ही कम लोग देख पाएंगे उस चीज़ को। मैक्स टू मैक्स हम लोग नहीं रहेंगे, सिक्के 100 साल के बाद क्या होगा। सो इस टेंजेंट चीज़ के पीछे भाग के या फिर टेंजेंट चीज़ को लेके एक दूसरे से लड़ के क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहे हैं कि ये जो डिज़ायर्स है, ये डिज़ायर्स यू नो कैरी करना बहुत सही है, क्योंकि डिज़ायर नहीं रहेगा तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, डिज़ायर नहीं रहेगा तो आपका लाइफ को बिताना ही मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मान लो कि आप किसी दूसरों के सपनों को पूरा कर रहे हो, या फिर अगर आप मान लो कि एक के बाद एक प्रॉब्लम ही आ रहे, सोल्यूशन का तो पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ गोल को आप अपने सोल पर्पज़ को फॉलो करो और उसमें आपको ऑब्स्टिकल्स मुसीबत आप इसका सामना करो, तो इसमें माँ आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा सेल्फलेस हो के निष्काम कर्मा करोगे उतना ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा, राहत आपको मिलेगा। सो यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि आप अपना कर्मा करते जाओ और ये जो कार्मिक बैगेजेस है ये माँ हटा देंगे, और देन जब आप प्यूरिफाई हो जाओगे, जब आप अपना सोल पर्पस पूरा करोगे, जब आपको अपना इनर नोइंग पता चलेगा, जब आप अपने खुद परमात्मा के साथ बात कर पाओगे, तब माँ आके आपको मोक्षा प्रदान करेंगे। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि इस टाइम पे आपको जो प्रॉब्लम में आप हो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशंस माँ आपको ढूंढ निकाल के देंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप कैरी कर रहे हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स को आप फेस कर रहे हो, जो भी नेगेटिव थॉट्स को आप फेस कर रहे हो, इसको भी माँ रिमूव कर देंगे। नाउ मोक्षा ऑफ काली का और एक सिंपल पार्ट है कि जब रूट चक्र ओपन अप हो जाता है, जब आप चीज़ों के साथ वो अटैचमेंट को नहीं फील कर पाते हो, जब आप आसानी से लाइफ को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, जब आप आसानी से लेट गो करना सीख जाते हो, तब क्या होता है कि रूट चक्र बिखर के आ जा, मतलब जो चीज़ बिखर गया था, जो रूट चक्र आपका बिखर गया था, वहाँ से रूट चक्र एकदम बहुत अच्छे से कैप्टिवेट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो फ्लावर्स का सिंबल आप देख रहे हो, ये आपके रूट चक्र है। और आप एंग्शियस हो गए थे बिकॉज आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को लेके जाओगे, क्या आप सही पथ पे हो या नहीं, क्या आप सही इन्फ्लुएंस के अंडर हो या नहीं। तो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए आपके अंदर काली माँ है और मोक्षा की तलाश में आप हो, सारे पाप से, सारे बुरे कर्मों से, सारे नेगेटिव ऑब्स्टिकल से,
और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका इरादा नेक हो। तो यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज है कि कुछ कुछ चीज़ को छोड़ देना है, और आज आप दूसरों के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। अगर आप देख रहे हो कि कोई पर्सन अंदर से कुछ चीज़ को आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हो सकते हैं कि कोई प्यार तो कर रहे बट बात नहीं कर रहे, या फिर कोई प्यार को निभा नहीं रहे, कोई दोस्ती को निभा नहीं रहे, आज आप स्पेस दोगे, आज आप अपने पेरेंट्स को स्पेस दोगे, आज आप अपने दोस्त को स्पेस दोगे, आज आप खुद को स्पेस दोगे, आज आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आज आप गोल चेज तो करोगे बट अपने अंदाज में करोगे। क्या है कि जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ नरिशिंग थॉट्स, अगर आपको आज लगता है कि आज आप 5 kgs के चीज़ को कैरी कर सकोगे, तो आज आप 5 kgs ही कैरी करोगे, आज आप 7 or 8 or 9 kgs कैरी नहीं करोगे। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कुछ हद तक आपको थोड़ा सा फ्री स्पेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक का ज़रूरत है। सो आज आपको माँ बोल रही है कि आज आप ब्रेक लोगे, आज आप हाफ डे ले सकते हो, आज आप ब्रेक ले सकते हो, आज आप एक पैटर्न को चेंज कर रहे हो, आज आप रिफ्रेश कर रहे हो खुद को, किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप बहुत कम करते हो वही कर रहे हो। सो आज आपको माँ देख रहे हैं कि बहुत अलग अंदाज, आज माँ देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल बिलीव के साथ चल रहे हो, हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो आप खुद को। खुद को हीलिंग प्रोवाइड करना मतलब जब आप मंत्र चैंटिंग करते हो, जब आप मेडिटेशन सुनते हो, जब आप ईश्वर के सामने बैठते हो, जब आप अपने टाइम को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये मेरा अच्छा टाइम नहीं है तो इसको एक्सेप्ट कर लूँ, काम करते रहूँ, प्रे करते रहूँ, तब जाके आपको मोक्षा मिलता है। बट जब आप क्वेश्चंस करते हो कि ये क्यों नहीं हुआ, होना तो चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको मोक्षा नहीं मिल रहा है। सो आज आप रियलाइज करोगे कि क्या जीवन आपसे क्या चाहते हैं, माँ आपसे क्या चाहते हैं, और समय आपसे क्या चाहते हैं, और तब जाके आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज है, ये आपको सिखाते हैं कि क्या आपके लिए सही है, ये आपको अनकंडीशनल बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। लोग डर जाते हैं क्योंकि बहुत जिस लाइफ को हम लोग सोचे थे कि यही हमारे लाइफ है, यही हमारे दोस्त है, यही हमारे पर्पस है, ये सब बदल गया है। नाउ आप एकदम क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर रहे हो चीज़ों को। क्लीन स्लेट मतलब क्या है कि आपको कुछ पता नहीं है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, बट आपको एक 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 विक्ट्री का बिलीफ है कि हाँ जीतोगे, चाहे सिचुएशंस कोई भी हो आप जीतोगे। सो यहाँ पे क्लियर कट एविडेंस आपको मिल रहा है कि इस टाइम पे आप जो भी प्रॉब्लम को पास्ट कुछ दिन से, कुछ साल से, हो सकता है किसी के लिए 3 months, 9 months, 12 months से झेल रहे हो, वो प्रॉब्लम्स से बाहर आ पाओगे। किसी किसी के लिए जॉब, किसी किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए अंदर का रियलाइजेशंस, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल ट्रूथ, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस, किसी किसी के लिए फैमिली सपोर्ट। तो आज आपका एक एक रिलीफ पाने का डे है, आज आपका रूट चक्र हील हो रहा है। सो डेफिनेटली एंग्शियस थॉट, नेगेटिव थॉट्स चले जा रहे हैं, और एक फॉर्म बिलीफ सिस्टम आपके अंदर ग्रो कर रहे हैं। लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा। वाओ, लुक एट दिस कमला देवी, ये होना ही था, क्योंकि आपको जीवन बहुत अच्छे तरीके से आशीर्वाद करेंगे। क्योंकि कमला देवी माँ मतलब क्या है कि जहां पे आपको विक्ट्री का कोई नाम और निशान नहीं दिख रहा था, कमला देवी माँ यानी कि माँ लक्ष्मी माँ आके आपको जिताएंगे। जब आपको बहुत मेहनत करके कुछ करना पड़ रहा था, बहुत रात दिन मेहनत करके भी आप उस आउटकम को आपको नहीं मिल रहा था, माँ आसान कर देते सोल जर्नी को, माँ आपके सेविंग्स को बढ़ा देते, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल सक्सेस, रिलेशनशिप में प्यार आपको नहीं मिल रहा था, खुद को प्रूव करना पड़ रहा था, 10 बार बोलने के बाद आपको रिप्लाई आ रहा था, फ्रेंड का सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बट वो आपको मिल रहा है। माँ लक्ष्मी क्यों आपके साथ है, क्योंकि बुरे कर्मों को आप
हटा पाए हो, बुरे चिंता को आप हटा पाए हो, अनकंडीशनल आप हो गए हो। इसीलिए लक्ष्मी माँ आ रहे हैं। लक्ष्मी माँ क्यों आते हैं? क्योंकि माँ को पता है कि अगर माँ आपको बेनिफिट देंगे, अगर माँ आपको वरदान देंगे, तो उनसे मतलब आपसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आपसे बहुत सारे लोगों को हौसला बढ़ेगा, आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी क्रिएट करोगे। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि आपको माँ बहुत प्यार कर रही है, क्योंकि आप लोगों को अपने सोल पर्पस दिखाते हो, लोगों को आप लीड करते हो, आप एक अच्छे एडवाइज़र हो, आप एक अच्छे काउंसलर हो, आप एक अच्छे माँ हो, या फिर आप एक अच्छे पिता हो। क्योंकि कहीं ना कहीं कमला देवी लक्ष्मी तब आते हैं, ये तो वेल जनरेटेड एनर्जी है, जब माँ देखते हैं कि आप जनरेट कर पाते हो। लाइक जो लोग सिर्फ यही नहीं बोलते कि मेरे को दे दो और मैं इसको सेविंग करके रखूँगा, लक्ष्मी उस पर्सन को कभी नहीं, उस पर्सन के पास कभी नहीं आते। जो लोग दान करते हैं, जो लोग थोड़ा सा इल फेटेड है, जो लोग दुर्भाग्यशाली है, जो लोगों को नियति सपोर्ट नहीं किया, जीवन सपोर्ट नहीं किया, जो उन लोगों को देखते हैं, जो लोग वो बैक बेंचर्स को देखते हैं, जो लोग वो आउटसाइडर्स को देखते हैं, जो लोग वो आउटकास्ट को देखते हैं, उन्हीं लोगों को माँ देखते। तो माँ आपको क्या बोलेगी? आपको चिंता नहीं है, आपको जो चाहिए माँ आपको दे देंगे, आप सिर्फ दूसरों को मदद करते रहो, आप सिर्फ दूसरों को जज मत करो, आप दूसरों को प्यार करो, दूसरों का सेवा करो, आप दूसरों के लाइफ को अच्छे तरीके से आगे लेके जाओ। तो यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि आज आप एडवाइस दोगे, आज आप दूसरों के लाइफ को दूसरों को मोटिवेट करेंगे, आज आप सेल्फलेस हो जाओगे। सो क्या होता है कि मान लीजिए आप एक लीडर हो और आपको भी खुद पता नहीं कि आने वाले टाइम पे आप किस तरीके से आप अपने टीम को जिताओगे, बट आपके ऊपर बहुत सारे लोग निर्भर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मान रहे कि हाँ आप ही हो जो इन लोगों को जस्टिस दिला सकते हो, जिता सकते हो। तब जाके माँ लक्ष्मी आपके साथ मिलते हैं, क्योंकि आप उन लोगों के लीडर हो जिनके पास और कुछ नहीं है, आप उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हो जो लोगों को समाज ने बहिष्कार किया है, जो लोगों को समाज ने डिस्कर्ड किया है। तो तब माँ लक्ष्मी आपके सामने आके आपको राजा या फिर रानी बना देते हैं। तो आज भले आपके पास अभी कुछ नहीं है, बट माँ आपको इंडिकेट कर रहे कि आने वाले टाइम पे आपको वो चीज़ मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन की दरकार है, जो पैसे का दरकार है, जो ज्ञान का दरकार है, माँ खुद आके आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आप दूसरों के लिए सोचते हो तो माँ आपके लिए सोचते हैं। यहाँ पे सर्टेन नेगेटिव थॉट्स को आप रिमूव कीजिए, क्योंकि जितना दुश्चिंता आप कर रहे हो उतना दुश्चिंता करने का कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल हो, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। यहाँ पे आपका कर्मा नेक है, आपकी इरादा नेक है, आप दुनिया के लिए सोचते हो, अनकंडीशनली प्यार करते हो, एंड इसीलिए माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहेगा। सो बच्चे का लेके अगर टेंशन है, खुद के करियर को लेके टेंशन में हो, शादी को लेके टेंशन में हो, या फिर समाज को लेके टेंशन में हो, चिंता मत कीजिए, माँ कुछ सही बंदोबस्त करेंगे। माँ आपके लिए एक ऐसा हेल्प लेके आ रहे जिसको आपको बहुत ज़रूरत था, यू नो, सो आपका ज़रूरत को पूरा कर दे रहे हैं माँ, एंड साथ ही साथ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। आपको अननोन सपोर्ट मिल जाएगा, आपको घर वालों से जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बाहर वालों से वो सपोर्ट मिल जा रहा है। आज माँ आपको बोल रही है कि कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचिए, सेविंग्स के बारे में सोचिए। आज आप सोचिए कि और आप अपने पॉजिटिविटी को किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हो, और क्या क्या क्रिएटिव काम आप कर सकते हो, और किस तरीके से आप अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हो, और किस तरीके से आप अपने माता पिता को हेल्प कर सकते हो, और किस तरीके से आप बच्चों को मदद कर सकते हो, और किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हो। सो आज आप जेनरेट कीजिए प्यार को। लाइक अगर आपके पास प्यार है, मतलब मान लीजिए कि आपको कुछ लोग प्यार करते हैं, तो आप भी लोगों को प्यार करिए। ऐसा मत कीजिए कि नहीं ये लोग सिर्फ प्यार करें तो इसीलिए आप प्रे करेंगे, वो लोग आपको प्यार नहीं करते, नहीं उसके लिए नहीं प्यार करेंगे। आप सबके लिए प्रे करिए, सबको प्यार कीजिए, जो लोग बंधु है उसके लिए, जो लोग शत्रु है उनके लिए, क्योंकि कर्मा को देख रहे हैं माँ। आप कोई नहीं होते हो कि कौन अच्छे है कौन बुरे है, उनके पास्ट लाइफ को आप नहीं देखे, उनके आने वाले लाइफ को आप नहीं देखे हो, आप तो सिर्फ
इन्हीं लाइफ में उनको देखिए। तो माँ लक्ष्मी आपको वही बोल रहे हैं कि आप उतना ज़्यादा विचार मत कीजिए अपने दिल में, दिल को साफ रखिए, दिल को प्योर रखिए, जो डिसाइड करना है डिवाइन डिसाइड करेंगे। आप अपना धर्म को फॉलो कीजिए, जो झूठ बोल रहे हैं उनको उसको सज़ा मिलेगा, उनको उनका कर्मा का रिप्लाई मिलेगा। आप अपने धर्म पर डट के खड़े रहिए, क्योंकि आप एक ऐसे प्योर सोल हो जिसको नेचर बहुत प्यार करते हैं, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसको एनिमल्स बहुत पसंद करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्पिरिट्स के फेवरेट है। तो आप एक चीज़ देखोगे, आप एक शॉप में गए, जैसे आप शॉप में एंटर किए 5-6 कस्टमर्स उस शॉप में आ गए, यस इट्स अ साइन कि यू आर कैरिंग अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बी अचानक आप गए, आपके सामने एक बिल्ली आ गया, एक डॉग आ गया, सो इसका मतलब है कि दे आर सेंसिंग योर ऑरा, दे आर सेंसिंग योर एनर्जी। आप किसी के साथ बहुत, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा मुँह फट है, उसके सामने गए, वो बहुत अच्छे से पेश आया, लोग आपको शायद बोले कि इस पर्सन के साथ आप कैसे जलप कर सकते हो, वेल इट्स अ क्लियर कट साइन कि यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ऑरा, यू हैव अ डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो आपको देख के लोग नो नहीं बोल सकते। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू का बात है, क्लाइंट हैंडलिंग का बात है, लोगों के साथ बात करने का बात है, एंड एट द सेम टाइम सपोर्ट मिलने का अगर बात है, तो आज आपको ये सब चीज़ मिलेगा। ज़रूर आज आपके लिए एक बेटर डे वेट कर रहे, आपके लिए एक बेस्ट डे वेट कर रहे। आज आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगा, डेफिनेटली पैसा आज आप अर्न कर पाओगे, एंड बहुत अच्छे तरीके से दिन को बिता पाओगे। फैमिली के बारे में सोचिए, अनकंडीशनली सोचिए, लोगों के मदद के लिए सोचिए, आपका भी डिवाइन मदद करेंगे। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी, एंड ऐसे ही अपने धर्म को निभाते रहे। बाय बाय, टेक केयर, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, #टैग दीजिए टैरोट अनिर्बन, एंड कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी। बाय बाय।